लॉकडाउन का 7वां दिन है, लेकिन इस बीच दिक्कत आ रही थी कि जो प्रवासी मजदूर है वो अपनी घरों की तरफ लौटना चाहते थे और बड़ी संख्या में सड़क पर आ गए थे। कहीं ना कहीं लॉकडाउन को बेअसर करती भूख कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से दोबारा एकदम सख्ती की गई है और शेल्टर्स होम में मजदूरों को रखा गया है। रेवाड़ी के अलग अलग इलाकों में शेल्टर होम बनाए गए हैं, उनमें से जैन स्कूल भी एक शेल्टर होम है जहां बड़ी संख्या में मजदूर रह रहे हैं। करीब 200 से 250 मजदूर यहां पे रह रहे हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने, क्या उनको सुबह शाम खाना मिल रहा है या और मूलभूत सुविधा जो यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? केसर सिंह। कब से रह रहे हो? कल रात 3 बजे से। कोई दिक्कत? यहाँ सर्दी लगी, कपड़ा नहीं है, सर्दी लगी, नींद नहीं आई है, खाना तो सही मिल गया है। डॉक्टर ने चेकअप भी किया है? चेकअप नहीं किया। आपका क्या नाम है? राहुल। कब से रह रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? धौलपुर के। धौलपुर के हो, कब से रह रहे हो? कल शाम को आए थे। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ खाने की? ठंड लगती है बस, रात में ठंड लगती है। बाकी खाना मिल रहा है? खाना बना तो मिल रहा है। डॉक्टर ने चेकअप किया अभी? अभी तो नहीं किया है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। आप भी धौलपुर के हो? अच्छा, सारे वहीं के रहने वाले, सबके साथ में एक ही दिक्कत है? ये लोग राजस्थान के ढोलपुर के रहने वाले हैं, जबकि ये लोग यूपी के रहने वाले हो आप। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है कि घर जाना चाहते हैं यहाँ पे। ये तो मजबूरी है, नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है खाने पीने की वो पूरी है? वो तो सही है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अलग अलग कमरे हैं जैन स्कूल के, उनमें 5 से 10 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें थी वो भी यहाँ पे फॉलो की गई है। सुबह शाम इनको खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन दिक्कत एक है कि जो और चीज़ें हैं, जैसे रात में इनको, जैसा इन्होंने बताया कि रात में ठंड लगती है, साबुन वगैरह नहीं है हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, तो ये दिक्कत इनको ज़रूर आ रही है। साथ में मज़दूरों को साथ में ये दिक्कत भी आ रही है कि जो इनके गाँव है, उन गाँव में इनके बूढ़े माँ बाप हैं, वहाँ उनके बच्चे हैं, वो किस हालात में हो गए, ये चिंता भी इन्हें सता रही है। मैं पूरा बावल का एरिया देख कर आया हूँ, रेवाड़ी के स्कूल्स कल भी देखे थे, आज भी देख रहा हूँ। तो जो भी यहाँ से माइग्रेंट्स गुजर रहे थे उन सब के लिए कैंप्स की व्यवस्था करी है, और उनके लिए यहाँ पे पर्याप्त सैनिटेशन, फूड और मेडिकल हेल्प जो है वो दी जा रही है। तो उसी का मुआयना कर रहा हूँ, एक एक कैंप को चेक करके उसके अंदर यदि कोई आवश्यकता है इम्प्रूवमेंट की तो वो ज़रूर करवाएंगे जी। कितने लोग रह रहे हैं, कितने शेल्टर होम बनाए गए हैं रेवाड़ी में? 22 बनाए गए हैं जी, तकरीबन 1400 से 1500 के आसपास लोग हैं, और उन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन लोगों के साथ मिलकर कर रहा है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है रेवाड़ी के लोगों का भी। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सुपरविजन के लिए मैं आया हूँ। कुछ छोटी छोटी समस्या है सर, जैसे बताया? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, जैसे इनको साबुन पानी तक नहीं मिल पा रहा है जी, तो नहाने धोने के लिए, हाथ धोने के लिए जी जी, तो उसका पूरा प्रबंध करवा दिया जाएगा। ये बड़ा एक कठिन समय है जिसके अंदर कठिन परिस्थितियों से सभी गुजर रहे हैं। जैसा जैसे प्रबंध के बारे में कोई सूचना मिलती है उसका पूरा प्रबंध हम करवा देंगे, और इसमें कोई ना तो कोई रसद की कमी है, ना भोजन की कमी है, ना ही कोई सैनिटेशन की व्यवस्था की कमी है। यदि कोई आवश्यकता है उसको डेफिनेटली उसकी पूर्ति कर दी जाएगी तुरंत रूप से। क्या नाम है? बाबू बेग। कहाँ के रहने वाले? जिला पीलीभीत। अच्छा, कब से यहाँ रह रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? 3 दिन से रह रहा हूँ सर, दिक्कत तो कुछ नहीं है, और खाने पीने का भी व्यवस्था सही है। और हम घर जाना चाह रहे हैं सर, हमारे बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं, हमारी माँ बीमार पागल हो गई, उन्हें जंजीरों में बांध कर डाला है घर वालों ने, तो बहुत परेशान है। कहाँ के रहने वाले? जिला पीलीभीत के। अच्छा, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत कुछ नहीं, घर वाले सब परेशान हैं बस, जी दिक्कत है। तो यहाँ व्यवस्था कैसी है प्रशासन की? व्यवस्था तो सही है यहाँ पे। 4 दिन हो गए तुम रह रहे। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पे रहने खाने की? आपकी व्यवस्था ठीक है? ऐसे तो ठीक है रहने की, तो खाना मिल रहा है। तो डॉक्टर भी अभी आए थे चेक करने? ना कुछ नहीं है, साफ से ठीक है। क्या क्या खाने में मिला है आपको? चावल, दाल, पूरी, सब्जी, आलू की चाय भी मिल रही, टोस्ट भी मिल रहा है, बिस्कुट भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है,
सब कुछ मिल रहा है, सरफ चाहिए और साबुन सब मिलता है, बच्चों को भी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों टाइम जो है ना यहाँ लगभग 250 के आसपास आदमी हैं जैन स्कूल के अंदर, और 250 सुबह 250 शाम को, और उपायुक्त महोदय ने बताया कि भाई जो है ना आप खाली जैन स्कूल में सप्लाई करो, और दो दिन तो हमने कभी धारवेड़ा कभी जैन स्कूल कभी कहीं मतलब कई जगह खाना बांटा, लेकिन कल आप उपायुक्त महोदय ने ये बताया है कि भाई आपकी ड्यूटी सिर्फ जैन स्कूल की है दोनों टाइम खाना देने की, तो हम अपना ये खाना भाईचारे में दे रहे हैं। कहाँ से बनवाते कैसे? हम डॉक्टर राजपाल के वहाँ ऑफिस में इनलो के ऑफिस से बनवा रहे हैं, वो वहीं तैयार कर रहे हैं, वहीं पैकिंग कर रहे हैं, वहीं से लाके यहाँ बांट रहे हैं।